फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये धुला हुआ तिल है, एक कटोरी तिल था। ये देखिए, एक कटोरी तिल था। तो तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे। ये गुड़ है, ये गुड़ इसलिए ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसका जो चाशनी बनाएंगे वो बचा लेंगे। वो लाई होती ना, जो लाई के भी लड्डू बनाएंगे, उसके संक्रांति के लिए बनाते हैं ना, लाई के और तिल के, तो वही बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये तिल है, इसमें अच्छे से साफ ही है, इसको रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए, लो फ्लेम पे ही है, लो मीडियम पे ही रोस्ट करना है। ये बहुत बारीक तिल है, जरा भी आपने अगर तेज कर लिया गैस, हाई पे किया तो लो मीडियम फ्लेम पे रखे, हाई फ्लेम में ये तुरंत जलेगा। तो देखिए फ्रेंड, आराम से भूनना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इनको, हल्का क्रीम सा करना है। तो ये भून रहा है जब तक ये गुड़। लो फ्लेम पे ही है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बीच में हम चलाते भी जाएंगे। ये गुड़ है, ये देखिए साफ गुड़ है, तो इसको ऐसे ऐसे छोटा छोटा कर लेना है। इससे कढ़ाई में डालेंगे तब थोड़ा आसानी रहे। एक दिन आप लोगों के साथ शेयर की थी तो उसमें हमने चाशनी नहीं बनाई थी, तो आज ये चाशनी वाले बनेंगे, क्योंकि पूजा के लिए अभी तक शुरू से ऐसे ही बनाए हुए हैं, तो उनका वैसे ही फॉलो करना है। ये देखिए चलाते जाना है, लेकिन जैसे ही ये भुनना स्टार्ट होगा तो क्रीम कलर आएगा और खुशबू आएगी, वो चटकने लगेगा, जैसे राई होती है चटकती है, आवाज सी हल्की हल्की सी आएगी। ऐसे ही आप आइडिया लीजिएगा कि क्रीम कलर हो जाए कम से कम 2-3 मिनट लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे। अभी तो लो पे ही है क्योंकि हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो यही ये भी करते जाएंगे, वहां वो भी होता जाएगा। किचन के काम ऐसे ही होते हैं, एक बार शुरू करो और कई सारे काम निकलते किचन में, वो टाइम की भी बचत होती है एक साथ कई काम करने में। अब ये हाथ, तीन उंगलियां गंदी थी तो इन दो उंगलियों से ये पकड़ के ऐसे ही रोज का ही रहता है, कई सारे काम एक साथ करते हैं। तो ये अभी नहीं भुना है फ्रेंड, लो फ्लेम पे ही अभी गैस, भुना नहीं है अभी। अब इस तिल के लिए तो इतना गुड़ काफी था, जितना तिल है उतना ही गुड़ ले लेना चाहिए, लेकिन अभी हम निकाल लेंगे लड्डू, क्योंकि वो लाई के लड्डू बनाना है ना, वो लाई वाले फूले आते जो चावल की लाई वाले, अभी दिखाएंगे आपको। तो थोड़ा सा चाशनी निकाल देंगे, कम से कम 4-5 लड्डू उसके भी बन जाए छोटे छोटे। अब चाहे तो कोई लोड़िया सिलवट्टा से कूट भी सकती हैं इसको, गुड़ को। अब हाथ साफ कर रहे हैं, फाइनली इतना काफी है गुड़। ये दो उंगलियां साफ है, इनसे चला दे रहे हैं। अभी लो फ्लेम पे ही है फ्रेंड, इसलिए कोई भी काम किचन के लो फ्लेम पे ही सही रहता है, तो और भी कुछ करते रहते हैं हम लोग। अब खड़े होके करो, इसलिए थोड़ा हमने मीडियम कर लिया, क्योंकि खड़े होके कर रहे हैं तो हल्का क्रीम सा कलर आ जाए, तो समझ लो खुशबू आने लगती है। तो अब संक्रांति में पूजा होती है ना फ्रेंड, तो ये तिल के लड्डू बनाते हैं जो,
तो ये जरूरी होता है। जैसे नहाते हैं जिस दिन संक्रांति में, गंगा में डुबकी ना, मतलब गर्म पानी से नहा रहे तो गंगा जल में आके नहा लेंगे संक्रांति के दिन, जितने बजे की बुड़की होती है, बुड़की कहते हैं हम लोग क्या, तो बुड़की जितने बजे है उतने बजे नहा लिए गंगा जल पानी में मिला के। तो जैसे ही नहा के आएंगे तो चावल और छिलके वाली मूंग की दाल ऐसे खोवा में निकाल के एक प्लेट में अलग रख देंगे, वो किसी पॉलिथिन में, वो दान के स्वरूप में फिर दान कर देंगे। मान लीजिए सुबह 4 बजे नहाया तो उतने टाइम का देखेंगे तो वो अलग निकाल के रख दिया, और काले तिल थोड़ा गैस में 2-3-4 तिल डाल दिए, खड़े रहे, गैस को छोड़ना नहीं है, जब तिल डाला तो खड़े ही रहे, थोड़ी देर में जल ही जाते हैं, फिर बंद कर दिया गैस। और जो तिल के लड्डू है, जो खिचड़ी, कच्चा चावल और मूंग की दाल ऐसे 2 खोवा निकाल के, और ज्यादा भी कर दे, आधा किलो भी हो जाए, किसी के खाने के काम आ जाए, 1 किलो हो जाए, और ज्यादा हो जाए अपनी श्रद्धा अनुसार, उसी में सिक्का डाले, मतलब कागज के रूप में ना, जैसे 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, और तिल के लड्डू 5 लड्डू डाल दे, तो फिर वो सब पॉलिथिन में रख लिया, फिर जब आपको 8-9 बज जाए तो किसी गरीब को मंदिर में जहाँ भी हो, मतलब वो दान में दे दें, फिर यूज नहीं करना है घर में। अब दान में तो इतना सा क्या दोगे, पर थोड़ा बहुत उसी में और ऐड कर लिया अपनी श्रद्धा के अनुसार, फल, सब्जियां, आटा और भी जो मिठाई है, लड्डू है, तो वही कर लिए। तो हम ऐसे ही ये संक्रांति में है तो ये लड्डू गोल गोल, अब एक दिन बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कौन ऐसे ऐसे लड्डू बांधता रहे तो वो जल्दी हो जाता है, कि बर्फी जैसे बना लो जल्दी से सेट कर लो, तभी ऐसे ही करेंगे, 5 लड्डू बना लेंगे पूजा के लिए। और दान जो कोई भी घर में हो सभी के हाथ से ऐसे भर भर के थोड़ा थोड़ा प्लेट में दान करवा ले, और गुड़ के लड्डू भी और पैसे भी सभी लोग एक थाली में रखते जाए, फिर उसमें और कुछ ऐड कर दें, अब थोड़ा सा कहाँ देंगे किसी को, तो ये जरूर होता। फिर उसके बाद नहा के जब ये हो जाए पूजा पाठ, जो भी नित्य नियम होता है हर कोई करता है घर की पॉजिटिविटी के लिए, तो रामायण है, भागवत गीता, गीता जो भी पाठ करता है व्यक्ति, दुर्गा कवच अलग अलग रूपों में करते हैं, चालीसा करते हैं, रामायण, मास प्राण जो भी करते हैं, तो वो सब अपने नित्य नियम के बाद। फिर जैसे खिचड़ी अपन लोग बनाते हैं तो वो बिना प्याज के खिचड़ी बनाना है, देसी घी से, जीरा, हींग, मले डाले, मटर, धनिया पत्ती, अदरक सब, लेकिन लहसुन प्याज नहीं डालना, क्योंकि भगवान को वही खिचड़ी भोग में लगाइएगा, और तिल के लड्डू का भोग भगवान को उसी दिन लगेगा, तिल के लड्डू का भोग ये जरूरी होता है संक्रांति में। और गुल्ला आते हैं, अब देखिए फ्रेंड हो गई है अभी, ये देखिए ऐसा कलर होना चाहिए, क्रीम सा कलर, तो अब गैस ऑफ करते हैं फ्रेंड, थोड़ा और हाई करके फिर ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिया गैस, अब निकालते हैं इसको, बहुत ज्यादा इसको कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, अब निकालते हैं इसको, तो देखिए फ्रेंड लो मीडियम पे भूनना है, और ये कलर आया है इसका, बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, और लो मीडियम पे भूनेंगे तभी तो अंदर तक भून पाएंगे, नहीं तो इतने बारीक दाने हैं। आजकल तो जैसे कोई भी रेसिपी है, केक वगैरह है, आलू बंडे वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो ये तिल ही डाल देते हैं राई की जगह, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये भून ली है, अब फ्रेंड इसमें थोड़ा घी डाल देते हैं ताकि सॉफ्टनेस रहे लड्डू में, तो ये तो फ्रेंड गुड़ है, ये गुड़ है, ये इतना घी डाल देंगे और कम भी डाल दें,
अब थोड़ा हाई करेंगे, हाई फ्लेम में ठंड गैस। वो सब गर्म होता रहेगा, चलाते रहेंगे। ये पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, अगर कम लगेगा तो और डाल लेंगे। तो ये भी फ्रेंड मीडियम पे ही, लो मीडियम पे ही बनाएंगे खीरा भी। ये क्या है, हल्का सा घी डालने से लड्डू बनाए, चिक्की बनाए, जो भी, तो वो सॉफ्ट बनते हैं। जैसे आप मूंगफली के दानों की चिक्की बनाए अगर, और लाई की भी चिक्की बनती है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट बनती है, इसलिए घी डाल देना चाहिए। अब इसमें चीनी नहीं डाली है फ्रेंड, गुड़ के ही बनाते रहे हैं हमेशा, तो ये हम पूजा के लिए ही बना रहे हैं। यही बनता है लड्डू हो गए, मेन तो यही होता है कि जैसे लड्डू हो गए, गुड़ के और भी चीजें बनाएंगे तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और खुरमा बनते हैं इसी गुड़ के, थोड़ी से बेल के ऐसे स्क्वायर शेप में काट के, स्क्वायर शेप के काट के थोड़ी बड़े बड़े से, तो खुरमा बनते हैं। और थोड़ी खुरमी भी बनते हैं, जो शक्कर पारे कहते हैं अपन लोग, तो वो खुरमी भी बनती है, और नमकीन खुरमी भी कुछ, और थोड़ी सी सेव। तो इतना ही जरूरी होता है संक्रांति में, तो ये सब बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी सा बना लेते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा कोई खाता भी नहीं है मीठा ऑयली, और बाजार से भी सब नमकीन वगैरह है, तो सेव वगैरह थोड़ा थोड़ा, वो सब मछली जो कुछ भी है, तो थोड़ा थोड़ा सा सब बना लेते हैं कि पूजा के प्रसाद मिल जाए। ये देखिए मीडियम फ्लेम ही है गैस का, और गुड़ साफ लेना है फ्रेंड। अगर जैसे आपको लगे ये शीरा बनाया है इसमें नीचे समझ में आने लगता, अगर आपको लगे तो तुरंत आप छान लीजिए किसी भगवान में, अभी देखते हैं पूरा घुल जाए, अगर हमें लगेगा तो हम ये छानेंगे इस चैनल से, किसी भगवान में छान लेंगे। ये फ्रेंड इसमें छानते हैं, बाय द वे गुड़ है, कुछ गंदगी ना हो, लेकिन पहले ही छान लेना है, बाद में ही मतलब बहुत ज्यादा ना खोलने पाए। थोड़ा अब इसी में तिल भूना था, तो थोड़ा बहुत तिल भी है इसी में अगर हो तो रहने दीजिए। अब ये छान लेंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही है गुड़ में, ज्यादा हो तो कढ़ाई भी खंगाल लीजिए। ये देखिए नॉर्मल पानी से खंगाल ली है कढ़ाई, अब ये डालते हैं, ये छना हुआ डालेंगे अब, और लो मीडियम पे ही करना है अभी। मीडियम है फ्लेम अभी, और कुछ तिल अभी हमने थोड़ा पीस के रखे हैं, ऐसे ही पहले रोस्ट कर लिए, जैसे ये है ऐसे रोस्ट करके थोड़ा सा तिल मिक्सी में पीस लिए थे, वो भी लाएंगे अभी दिखाते हैं। ये है, ये थोड़ा पीस के रख लिए थे मिक्सी में, दरदरा सा पीसता है, आधा सेकंड के लिए मिक्सी चलाई और तुरंत बंद कर दिया, तो ये मीडियम फ्लेम पे ही हो रहा है अभी। अभी हाई करेंगे, थोड़ा ये पूरा डिजोल्व हो जाए अच्छे से, जो गुड़ के साथ पानी है, फिर इसमें करते हैं हाई पे। तो फिर ये प्रसाद बनता है जो,
एक ये घोड़ा होता है, इसका मिट्टी का भी घोड़ा आता है, जैसे छोटा सा घोड़ा आता है, और पीतल के भी घोड़े घर में होते हैं। तो जैसे घोड़े को चौक बनाया, कलश जलाया, संक्रांति के दूसरे दिन भरभरात होती है, तो ये भरभरात के दिन चौक में घोड़े रख के, और जितने लड़के हों जिसके नाम, तो वो घोड़े रख देते हैं और घोड़े के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं, तो उसमें जेबें होती हैं, जैसे ऐसे बताते हैं, जैसे ये है। अब ये मान लीजिए घोड़ा के ऊपर डाल देंगे आप ये ऐसे, तो एक पॉकेट वो सिलवाई जाती है, खुद ही घर में सिल लीजिए, हाथ से सिल जाती है और वहां की मशीन से भी। तो एक पॉकेट यहाँ लगा दी, एक पॉकेट यहाँ लगा दी, और वो घोड़ा के दोनों साइड पूजा कर दी, कलश की घोड़े की। फिर वो लड़कों को, जब तक बच्चे छोटे हों 5-10 साल के, 5-7 साल के ही, फिर बड़े हो जाते तो फिर उतना, तो वो बच्चे ऐसे ऐसे घोड़ा खिसकाते हैं, चलाते हैं, और कहना पड़ता चल रहे घोड़ा पे आगे चलिए, हमारी खबर राम से कहिए, अपने नाम के लड्डू खाइए, हमारी खबर राम से कहिए। तो अब ये होता रहा है घरों में, तो सब जरूरी होता है थोड़ा बहुत करना, भले ही ढेर सारा नहीं, तो अपना 5 लड्डू ही बना ले, इतने से सेव बना लिया, और फिर जरूरी होता है। अब ये सब घुल गया है अच्छे से, देखिए एक भी कुछ नहीं है इसमें। अब तेज करते हैं फ्रेंड, तो संक्रांति के दिन फ्रेंड खिचड़ी का दान जरूर करना है, और तिल के लड्डू का, और ये क्या बोल, खिचड़ी सबसे पहले खाना है, तिल के लड्डू का, खिचड़ी का भगवान को भोग लगाते हैं, सभी लोग करते होंगे, सभी लोगों को पता है। जैसे कुछ और काम करना होता है तो थोड़ा स्लो ही कर देना है। ये पानी रख लिया है पास में, अभी आपको दिखाएंगे, जब हो जाएगा अच्छे से तब दिखाएंगे आपको। अभी लोग फ्लैम पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। इसको भी ग्रीस कर ले रहे थाली को, भाई दफे थोड़ा बहुत लड्डू, थोड़ा बहुत तो देखते हैं बर्फी बना लेंगे, क्योंकि जैसे टाइम की बचत हो जाती है, लड्डू में देर तक बांधते रहो हाथ से मुंह मुट्ठी से, और स्वाद वही होता है चाहे वो चिक्की हो चाहे, तो ये ग्रीस करके रखिए, और जरूरत नहीं होगी तो नहीं करेंगे फिर। Thank you.
अभी और करेंगे, अब हाई फ्लेम पे करते हैं, खड़े हैं। अब गुड़ कितना भी साफ हो तो उसमें गंदगी से होती है, इसलिए अच्छा तो यही होता है कि पहले शीरा को करके छान लें। अभी हाई फ्लेम पे है गैस, जब पानी में डाल के ये लगे क्या गोल गोल सा बनने लगे, इतना इसको करना है। संक्रांति में सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग पूजा करते होंगे। वो तो फ्रेंड जैसे जो लोग शुरू कर रहे हैं, अभी पढ़ाई लिखाई में बिजी रहे, शुरुआत ही करना है, तो थोड़ा उनके लिए आइडिया है कि इसका दान भी करना है, भोग भी लगाना है और खिचड़ी जरूर बनाना है। पुण्य दान अच्छा है, उस दिन किसी को खिलाए दे दे, बाहर कोई भी हो, भिखारी आए या मंदिर में है, मतलब अच्छे से कुछ और उसी में मिला दे, कुछ फल वगैरह है। वो दिखने लगता है जैसे बनाते हैं ना हर बार, तो समझ में आ जाता क्या हो गया। हाँ ये देखिए, अभी जमने की कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखिए ये बनने लगा है। अब डाल रहे हैं तिल, ये पिछले वाले हैं, ये डालते हैं, ये भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, अभी दोनों डालते हैं। और गुड़ रखा है तो वो भी उसके लड्डू बनाएंगे, ये डालते हैं, दोनों डाल दिए हैं फ्रेंड इसमें, कुछ पिसे थे कुछ बिना पिसे थे। अब इसको अच्छे से चलाना है, सब मिक्स हो जाए, ये देखिए बहुत अच्छे से चलाना है, हाई फ्लेम पे ही अभी गैस, अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे गर्म में ही अच्छे से बांधते बनते हैं लड्डू, लेकिन ठंडा हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर से आप कढ़ाई में डाल के गर्म कर लें। झरिया में ये लगा हो तो ऐसे निकाल लें चम्मच से। ये देखिए थोड़े से अच्छे से पहले इसी में थोड़ा दो चार और चला के फिर निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा निकालते हैं, इसके लड्डू बना लेंगे पांच छह, बाकी कुछ और बनाते हैं। तब तक ठंडा हो जाएगी, इतने गर्म के तो बन नहीं पाएंगे लड्डू।
इसको इतना ज्यादा करना है कि थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। इधर इसको देखते हैं, अगर ये हो गया, ये ग्रीस की हुई थाली है, ये भी ग्रीस की हुई थी, तो इस पे छोटे छोटे लड्डू रख देते हैं। हाँ तो मैं फ्रेंड पानी लगा के, अब भगवान के भोग के लिए तो कुछ छोटे लड्डू भी होने चाहिए, तो ये देखिए हाथों में पानी लगा के ही थोड़ा और ठंडे हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे बन जाते हैं। ये बन रहा है, ये चीज जिसमें भी आप रखना हो, प्लेट में, थालियों में, दो तीन चीजें हम दो तीन जगह रखेंगे तो अलग अलग ही। ऐसे देखिए प्लेट में रख दे लड्डू, और बाकी ये थाली जो ग्रीस की थी बाकी इसमें फैलाते हैं। गुड़ के या बेसन वगैरह के कोई भी बर्तन हो तुरंत पानी भर के रख दो तो वो साफ हो जाते, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। अभी चम्मच से निकालते हैं उनको, इसमें पानी भर दें। ये देखिए ऐसे निकाल दे रहा है इसको चम्मच से, और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो तभी कट लगा दें। आपको जो भी डालना हो इसमें कुछ काजू वगैरह तो डाल दें, क्योंकि फिर सेट हो जाने के बाद फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा। और फिर चम्मच से ऐसे ऐसे थोड़ा कर दें सही से। किसी कटोरी से कर दें। अब ये ठंडा हो गया, इसके लड्डू बनाते हैं। देखिए फ्रेंड ऐसे बन जाते हैं लड्डू, प्रसाद के लिए तो छोटे छोटे से ही बनाते हैं अभी। ये पानी है ना, ये हाथों में पानी जरूर लगा लें जब भी लड्डू बनाना शुरू करें। अभी इसमें कट लगा देंगे, नहीं तो वो फिर जमने के बाद अच्छे से नहीं कटते। और बड़े साइज के बना लें जैसे भी आप चाहें। जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा फिर वो सेट हो जाता, फिर नहीं बनते लड्डू। इसलिए हल्का गुनगुना रहे कि हाथ में मतलब कोई दिक्कत ना हो बनाने में। और गुड़ के जो भी बर्तन हो तो वो तुरंत पानी से भिगा के ही रख देना चाहिए, नहीं तो वो फिर दिक्कत हो जाती।
तो ये भगवान को भोग लगाते ना तो वो घर में थोड़ा ठीक रहता है अपने हाथ से बनाई हुई चीज। बाकी सबके खाने के लिए तो यही वाली बर्फी स्वाद एक ही है, लेकिन पूजा के लिए कुछ लड्डू भी हो गए। ये थोड़ा जम जाए फिर इसको कट करना है अभी ही, नहीं तो वो फिर बाद में बनेगा नहीं करते। ये गणेश चतुर्थी है ना तो जब तो ये माघ में अगर सोमवती अमावस्या पड़े तो इसका तिल गुड़ का बहुत महत्व होता। ये देखिए ये बनाए हैं पूजा के लिए 7 लड्डू हैं ये, बाकी ये इसमें अभी कट लगाते हैं। अभी तो ज्यादा गर्म है, थोड़ा और सेट हो जाए तो इसको हल्का सा गुनगुना पड़ रहा है तभी कट लगा लें। अगर आपको कुछ काजू वगैरह डालना है बादाम तो अभी तो बहुत ही गीला गीलापन है क्योंकि अब लड्डुओं को देखिए ऐसे सेट हो जाते फिर मुश्किल होता है। जैसे ये लड्डू है ऐसे सेट हो जाते तो फिर कुछ नहीं, तो जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह डालना है तो ऐसे डाल सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसमें कट लगा देंगे। अभी लगा दीजिए वो जमता रहेगा सेट होता रहेगा। और ये चाकू में घी जरूर लगा लेना है। थोड़ा और जम जान दे फिर अभी लगा ले रहे कट, अभी लगा दे रहे वो जमती रहेगी 15-17 मिनट में, 20 मिनट के पहले ही अच्छे से जम जाएगी। ये देखिए कट लग रहे हैं अभी, ये लग रहा कट, अब गीला है ना तो हल्का सा सेट हो जाए फिर कट लगाना चाहिए। ये भी लगाया है चाकू में लेकिन वो हल्का सा जमने लगे फिर ही कट लगाए। अभी गीला है थोड़ा जमने लगे तब कट लगा लें। और जैसे सारी पूजा वगैरह का अपन बनाते हैं घर में कुछ ना कुछ, महालक्ष्मी में तो सुरा बनाओ गंगोरा बनाओ गंगोरा आता तो ऐसे इसमें भी ये बनता है तिल का। ये देखिए कुछ ठंडा हो गया तो लग रहे हैं कट, तो ऐसे लगा लें कट। थोड़ी गजक जितने पीस हो जाए, बहुत छोटे पीस भी ना हो, अपने अनुसार जितना भी चाहे। ये पहले कट कर देंगे तो आसानी से निकल आएगा क्योंकि थाली है वो ग्रीस करी हुई है। थोड़ा ठंडा हो 7-8 मिनट बाद ही कट लगा लें। क्योंकि जैसे ये लड्डू है ये देखिए कितना सेट हो गया, अब इसमें फिर मुश्किल पड़ता है अगर सेट हो जाएगी ना फिर कटने लगेगा।
उसको ये कट लगा के अब कम से कम 15-20 मिनट रखा रहने दें, 20 मिनट तक तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। अभी बल्कि सेट हुई जा रही है, थोड़ा सेट हो जाए फिर एक आप पीस आपको निकाल के दिखाते हैं। अब ये लड्डू देखिए आप, क्योंकि शाम ही प्रोसेस था बनाने का, ये कितने हार्ड हो गए हैं कि बिल्कुल ये दबना भी नहीं। अब तो ये दोनों शाम थे ऐसे ये हो जाएगी थोड़ी देर में, ऐसे ऐसे करके ये हो गए लड्डू सारे। कम से कम 20 अभी हम बहुत गर्म है, ये देखिए छूने में नीचे गर्म है, वो धीरे धीरे सेट होती रहेगी। और फिर भी आप है ना वैसे कट 8-10 मिनट में ही लगाएं, अगर आपको लगे डिस्टर्ब हो रहा तो फिर से कट लगा लें उसी के ऊपर से। तो नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।